बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ बर ऑफिशियल में खुश आमदीद। वतुइज़ो मंतशा वतुज़िलु मंतशा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं मियां उमर के सेटअप पे। चलिए आए इनसे मिलते हैं और इनके शौक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम उमर भाई, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और आपके बर्ड्स का शौक कैसा जा रहा है प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर लो उतना काम है, बहुत बेहतरीन जा रहा है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप बर्ड्स का शौक कब से कर रहे हैं? जी मैं बर्ड्स का शौक तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, पर अपर लेवल पर मुझे तीसरा साल है माशाल्लाह। जब तीसरा साल इसलिए प्रॉपर शेड बनाए, तीन साल हो गए मुझे, उससे पहले शौक ही करते थे, दो तीन पेड़ रखे हुए थे बस। सही, ज़बरदस्त। अब आप अपने सेटअप में कितने बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं लबड़ के? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 51 पेड़ लबड़ के हैं, एक पेड़ एग्जीबिशन का है, एक पेड़ कॉकटेल का है, मतलब टोटल 53 पेड़ है माशाल्लाह। ये सारा लबड़ के, इससे हटके आपने फिंची जावा वगैरह भी लगाई हुई है? जी वाइट जावा भी है, फोन जावा भी है। फोन जावा मेरे पास 9 पेड़ है जी, और वाइट जावा के कम अज़ कम कोई 25-30 पेड़ होंगे, क्लोनी लगी हुई है जी, तो काउंटिंग करनी मुश्किल हो जाती है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो सर हमारे व्यूवर्स को अपना सेटअप विजिट करवाएं जी। उमर भाई नंबर वन पे कौन सी पेयरिंग है आप? भाई नंबर वन पे एग्जीबिशन है जिसमें एक ग्रीन का मेल है, ग्रे ग्रीन की फीमेल, माशाल्लाह एक बच्चा इनका हैच हुआ है, यानी कि इस सीजन का पहला बच्चा हैच हो चुका है जी माशाल्लाह। तो इसने दो ही अंडे दिए थे? नहीं माशाल्लाह 6 अंडे थे, 6 के 6 फुल टाइम थे, फीमेल डिस्टर्ब हुई है जिसकी वजह से ना एक ही बच्चा हैच हुआ, बाकी अंडे खराब करने वो भी इसने स्प्रे लग कर दिया। अब इसके लिए फोस्टर पेड़ लगाऊंगा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और सर इससे नीचे कौन सा पेड़ है आपका? इससे नीचे रोजी पॉलिस का पेड़ है, इन्होंने एग ले किए थे, अभी फोस्टिंग कर रही है माशाल्लाह, एक दफा मुझे बच्चे पाल के दे चुकी है। जबरदस्त, अच्छी फोस्टिंग साबित हुई है, बहुत अच्छी फोस्टिंग साबित हुई है, जबरदस्त। अपनी तरफ से पेड़ ही लगाया था पर 9 अंडे दे दिए इन्होंने। इसके नीचे क्रीमिनो रोजी पॉलिस का पेड़ है जी, उसके माशाल्लाह ले स्टार्ट हुई है, अंडे फुलटाइल किए हैं उसने अब माशाल्लाह। फोस्टिंग केस ऑफ एमरजेंसी के लिए या जिनकी फोस्टिंग की है सिर्फ अल्बाइनोज और क्रीमिनोज की है, बाकी हर एक नीचे उसका अपना बच्चा है। जबरदस्त, यानी कि कमर्शियल बर्ड जिनकी ज़्यादा मांग है उनमें की फोस्टिंग उनकी कह सकते हैं, उनकी ये एक तो ज़्यादा मांग है, ऊपर से क्रीम में सर्वाइव कम करता है बिल्कुल, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा हेल्दी बर्ड होता है। सही है जी। तो इसके नीचे कौन सी पेयरिंग है जी? इसके नीचे भी दोनों फीमेल ही हैं और 5 बच्चे माशाल्लाह पाल रही हैं ये, अब इन्होंने अंडर में से खुद बच्चे हैच किए हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। के नीचे कौन कौन से बच्चे आपने? ये इसमें ब्लू ऑफलाइन रोजी कॉलेज है और कॉमोलिटीन होता है। सही, यानी फोस्टर के ही इन्हें दिए? जी जी जी। के नीचे कौन कौन से बच्चे आपने? ये इसमें ब्लू ऑफलाइन रोजी कॉलेज है और कॉमोलिटीन होता है। सही, यानी फोस्टर के ही इन्हें दिए? जी जी जी। ये मेरा कॉमन लटीनो टू लटीनो ओपनिंग रोजी कॉलेज का पेयर है, सही माशाल्लाह 4 बच्चे होंगे इसके अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसमें कॉमन लटीनो आएगा वो सबसे टॉप लाइन भी होगा? मैं किसी को रिंग नहीं डालता, सारे ऐसे ये जिनसे मैंने लिए थे उन्होंने भी ऐसे पेयर लगाए, इनमें से बच्चे निकले हैं अभी। सही, क्योंकि ये पोस्टर के ही लिए थे, अब ये पहला क्लच इससे इसलिए लिया गया ना पता लग गया पेयर कैसे। जबरदस्त, और बच्चों की कैसी अच्छी परवरिश करते हैं जी। जबरदस्त। इसके साथ नीचे? नीचे भी सेम पेयर है, कॉमन लटीनो टू लटीनो ऑफलाइन, इसमें माशाल्लाह एक बच्चा पार ब्लू ऑफलाइन का है माशाल्लाह, पोस्टर किया हुआ है। जबरदस्त, और बाकी तीन? बाकी इसके अपने ही है। इसके साथ कौन से बर्ड आ रही है? इसके नीचे है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है। इसका बॉक्स अंदर इसलिए रखा है, इसकी फीमेल स्टिक क्रॉस करती थी पिछले साल, बहुत अच्छी ब्रीड का रही है, अभी भी इसने ले की हुई है फीमेल भी स्टिक क्रॉस करती जी। मैं 3 दफा उसका डीएनए 3 लैब से करवा लिया पर है फीमेल ही, बॉक्स अंदर रखा है माशाल्लाह ब्रीड का रही है। ये वाली सर कौन सी? ये कॉकटेल है, ये मुझे शौक है, 3 साल से मेरे पास है पेयर, इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैच हुए हैं। जबरदस्त, चला है। इसकी क्या एवरेज है? माशाल्लाह 3 से 4 बच्चे इजीली पाल लेता है, इस दफा इसने 2 ही बच्चे हैच किए हैं, फीमेल में खाया दोबारा ले करके बैठ गई है, इसकी आदत है जैसे बच्चे 20 से 25 दिन के होने हैं फीमेल ने दोबारा ले कर देनी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेम्पियर है, टेम्पियर है जी। उमर भाई इस केज में कौन सी पेयरिंग है? इस केज में रोजी कॉलेज का पेयर है, ऑलिव पीच फेस का मेल है, ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है माशाल्लाह। ये ऊपर इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके ब्रीड मुझे चाहिए, जो जो आपको पेड़ 5वें पोर्शन में नजर आएगा ना जी, उसकी अपनी ब्रीड ही चाहिए, वो इसलिए ऊपर लगाया। सही, फोस्टर में भी? फोस्टर में भी इसकी अपनी ब्रीड चाहिए इसलिए ऊपर लगा दिया। सही, इसमें क्या रिजल्ट आता है आपको? इसमें मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें डीडी ग्रीन रोजी कॉलेज में ओपलाइन भी आया, वाइट फेस भी आया। जबरदस्त, यानी डिफरेंट बच्चे आते हैं। ये वाला पेड़ कौन सा है? ये भाई फिशरी स्प्लिटिनोज है, ये घर के बच्चे थे,
ये माशाल्लाह अपनी ब्रीड खुद खा रही है, इस वजह अगर एक दो भी डाटा ही बची आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही पेयर से डबल आवर। जी भाई, इसके साथ कौन सी पेयरिंग है भाई? ये पार्बिलो ओपलाइन स्प्लिट पेयर फेलो की फीमेल है। सही। ग्रीन ओपलाइन और ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेयर फेलो का मेल है। सही, जबरदस्त। ये पिछले साल का ब्रीडर पेयर है। इसके अंडे आए होंगे जी? माया 6 अंडे हैं, 6 के 6 फर्टाइल। माशाल्लाह, पहला क्लचर फर्टाइल कर गया ब्रीडर पेयर होने के बावजूद। वो कुछ इस दफा मौसम की चेंजिंग भी थी। ये हमारे वही है ना, एक दो पेयर आपने जब क्रॉस होकर देख लिया पेयर टू जी पूरे शर्ट को बॉक्स लगा देते हैं, जब तक बर्ड कंडीशन में नहीं आता बॉक्स ही लगाना चाहिए जी। और ये वाली सजी कौन सी पेयरिंग है? ये ग्रीन ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, वॉयलेट फिशरी की फीमेल है जी। इसके भी माशाल्लाह अंडे हैं, इसके भी 3 फर्टाइल है माशाल्लाह। और इसके साथ नीचे, इसके नीचे भी मेरी दोनों बर्ड होम ब्रीड के हैं, ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, ब्लू फिशरी की फीमेल है। ये ना फीमेल बॉक्स में फंस गई थी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है, तो अभी प्ले की थी पर केज में कर गई, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बॉक्स सेट किया इसने अपना। सही, जबरदस्त। यानी कि अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ्लाइट होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि पेयर क्रॉस हो गया है, क्रॉस होता मैंने खुद देखा है। जबरदस्त। इसके नीचे कॉमोडिटिनो का पेयर है, जिसके नीचे पार्बिलो स्प्लिटिनो के अंडे फोस्टर हुए हैं। सही, जबरदस्त। अच्छा इंक्यूबेट कर रहा है पेयर तो लग रहा है जी। ये ट्रेन पेयर है फोस्टिंग का? ये मेरे पिछले साल के ब्रीडर पेयर है। सही, ट्रेनिंग पूरी है मतलब इसे जी। जबरदस्त। अरे ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये ग्रीन ओपलाइन का मेल है, ब्लू फिचरी की फीमेल है, स्प्लिट ब्लू बनाने के लिए लगाया गया पेयर। सही। इसकी माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है माशाल्लाह। इसका पहले ही क्लच है जी? पहला क्लच है, नया पेयर बनाया इधर। ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, पार्ट ब्लू स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, दोनों बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड है माशाल्लाह। इसकी लेंगे ही बच्चे हैं? बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे थे जो आपने सबसे पहले पार ब्लू ओपलाइन बच्चा देखा है वो इसी का था माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वाले? इसके नीचे ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ब्लू स्प्लिट ओपलाइन का मेल है। जबरदस्त माशाल्लाह। पहला क्लच एंड फर्टाइल कर गया पेयर, तो अब दोबारा ब्रीड के लिए तैयार है। सही। और ये वाले सजी कौन सी पेयर भाई? ये रोजिकोलिस का पेयर है, कॉमन टीनो टू क्रीमिनो रोजिकोलिस। ये माशाल्लाह मेरे डेकिनोस के बच्चे पाल रहा है, 2 अल्बाइनोस, 1 डेकिनोस, 1 क्रीमिनोस है माशाल्लाह। जी उमर भाई, ये वाली कौन सी पेयरिंग है भाई? ये ग्रीन जूविंग ऑफलाइन का मेल है, ब्लू फिशरी की फीमेल है, माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है, बच्चे निकले हैं। ये भी स्प्लिट ब्लू की वर्किंग, स्प्लिट ब्लू की वर्किंग माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। ये इसके बच्चे हैं सारे? इसी के बच्चे हैं माशाल्लाह। जी मेहर भाई, ये वाली कौन सी पेयरिंग है भाई? ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, पार्ट ब्लू यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। ये उसी का बच्चा है जिसकी फीमेल डिक्रॉस करती है। इसके माशाल्लाह 5 के 5 फर्टाइल है, नजर आ रही है वैसे ही कैमरे से माशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करे जी। जी मेहर भाई, ये वाले कौन से बर्ड है? ये पार्ट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। इसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैच हो गए। और अंडे इसके कितने हैं? ये इसने 3 ही दिए थे, फर्टाइल 3 ही किए थे। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पड़ा है? एक एक्स्ट्रा। ये उसका अपना ही था वैसे? अपना ही था, अपना ही। मैं जो खराब बनने हैं मोस्टली नहीं खाता, फीमेल ना बच्चों पे ज़्यादा बाहर नहीं डालती, बच्चे स्प्रे लग नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। और ये वाली पेयरिंग? ये कॉमोडिटिनो का पेयर है। सही। इसके माशाल्लाह अपने बच्चे इसने हैच किए हैं, मतलब रोजिकोलिस के ही बच्चे हैं, फोस्टर किए थे तो पेयर डिस्टर्ब हो गया था। सही। ब्लैक का ही बच्चे हैं पर है रोजिकोलिस। जबरदस्त माशाल्लाह, उम्मीद है कि चौथा बच्चा भी आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी भाई जान, ये वाली कौन सी पेयरिंग है भाई? ये अल्बाइनो रेड आई, जो रेड आई का पेयर है। जबरदस्त। ये जो पहले आपने देखे सारी ओपलाइन की वर्किंग थी, अब सारी आगे क्रीमिनो अल्बाइनो डेकिनोज आ गई हैं। सही। कमर्शियल बर्ड्स? कमर्शियल बर्ड्स माशाल्लाह। ये अल्बाइनो इसकी माशाल्लाह ब्रीड आई है, अंडे 5 के 5 फर्टाइल भी लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी मैं फर्टाइल चेक नहीं किए और पहला क्लच एंड फर्टाइल करके गई थी फीमेल। सही। मौसम की चेंजिंग की वजह से हो रहा है। और ये वाली कौन? ये डेकिनो की फीमेल है, अल्बाइनो का मेल है जी। ये इसका ना डेकिनो ब्रीडर पेयर था, अल्बाइनो सडनली एक्सपायर हो गया इसका, तो अभी नया अल्बाइनो दिया जिस वजह से अभी तक ब्रीड नहीं आई इसकी ना। इंशाल्लाह आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब पेयर लग गया है जी। और मेरे भाई ये वाली कौन सी पेयर? ये रोजिकोलिस का पेयर है, ब्लू ऑफलाइन टू ग्रीन ऑफलाइन। जबरदस्त। इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पार्बिलो स्प्लिटिनो का है, एक बच्चा ग्रीन ऑफलाइन। जबरदस्त। ये तकरीबन 8-9 दिन के लग रहे हैं जी। पर ये अंडों में से खुद हैच किए इन्होंने बच्चे, दोनों पेयर्स का एक एक अंडा था, एक एक ही फुल टाइम। आप अंडे फोस्टर कर देते हैं? अंडे बच्चे बहुत कम करते हैं, अंडे करते हैं। सही। और ये पेयरिंग? ये ग्रीन ऑफलाइन रोजिकोलिस और ब्लू ऑफलाइन रोजिकोलिस का पेयर है। ये माशाल्लाह अपनी ब्रीड खुद का आ रहा है माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं इसके नीचे माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। इसमें ग्रीन ऑफलाइन है, ब्लू ऑफलाइन है, लटिनो ऑफलाइन है रोजिकोलिस में माशाल्लाह।
ये ऊपर वाले केज में क्या है? ऊपर भैया जो ऊपर आपको सामने चारों केज नजर आ रहे हैं, सब में फिशरियां स्प्लिट इनल्ट और बाइनल स्प्लिट इनल्ट के पेयर हैं जो अपने पेट खुद करेंगे माशाल्लाह। और माशाल्लाह एग गए हुए हैं, पहला क्लचन फुल टाइल किया है। सही जबरदस्त, वो बॉक्स में है, चले ज्यादा तंग नहीं करते। ये 30 नंबर में डेकिनो और बाइनो का पेयर है, इसके दो क्लच फोर्शर हो चुके हैं, तीसरे क्लच के लिए फीमेल रेडी है। जबरदस्त माशाल्लाह जी मैर भाई, ये वाली कौन सी पेयरिंग है आपकी? ये भी डेकिनो टू अल्बाइनो के पेयरिंग है, अल्बाइनो के फीमेल है, डेकिनो का मेल है। इसके मतलब चार बच्चे हैं, दो क्रीमिनो है, एक डेकिनो, एक अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी छोटा है माशाल्लाह। और ये इसी के बच्चे हैं जी? इसके अपने बच्चे हैं, डेकिनो टू अल्बाइनो रेड है जी। दो क्रीमिनो आए हैं, एक डेकिनो आया है, अभी एक छोटा, वो कंफर्म नहीं हो रहा। और सर ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये पार्बुलस प्लेटिनो टू अल्बाइनो का ब्रीडर पेयर है, बाल डिस्टर्ब हुआ है, अभी तक ब्रीड नहीं की इसने। इसके नीचे ग्रीन ओपलाइन रोजिकोलिस और ब्लू ओपलाइन रोजिकोलिस का पेयर है, माशाल्लाह अपने ब्रीड खुद का आ रहा है। पांच बच्चियां इसके नीचे, इसके अपने ही हैं। सही है माशाल्लाह, जबरदस्त जी, बहुत ही खूबसूरत। ये अल्बाइनो रेड है की फीमेल है, अल्बाइनो ब्लैक है, स्प्लिटिनो का मेल है। जो मैंने आपको पहले बताया ना डेकिनो का मेल एक्सपायर हो गया था जी, ये रेड है, रेड ही पेयर था, मेल उसे दिया, इसके लिए फिर ब्लैक का ही अपने घर के मेल गया। मेल मिल नहीं था, अच्छी क्वालिटी का मुझे बता सकते इसके। ये अभी पेयर लगाया है, इसलिए ब्रीड नहीं की, दोनों ने नहीं की। ये वाला कौन सा? ये क्रीमिनो टू अल्बाइनो का पेयर है, इसके भी दो क्लच फोस्टर हो चुके हैं, तीसरे के लिए फीमेल रेडी है। सही माशाल्लाह, उम्मीद है इसका एक अंडा आ गया होगा अब तक जी माशाल्लाह। तीसरे क्लच का भी फर्स्ट एग आ चुका है जी, दो क्लच फोस्टर हो चुके हैं इसके। और ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये पार्बुलस प्लेटिनो टू अल्बाइनो का पेयर है जी, माशाल्लाह ये ऐसा पेयर है हर क्लच में दो क्रीमिनो दे रहा है, पिछले साल भी दे के गया, इस साल भी दे रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी ब्लड लाइन का होंगे ये सारे अपने घर के बच्चे हैं। पिछले साल जो ब्रीड आई थी वो रोक ये पेयर बनाए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। दो पार्बुलो स्प्लिटिनो हैं, दो क्रीमिनो हैं, गुड हो गए। और इसके साथ नीचे कौन सी पेयरिंग है? इसके साथ नीचे वाइट फेस का मेल है और ग्रीन रोजी फेस की फीमेल है। जो आपको ग्रीन फीमेल नजर आ रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल पुरानी फीमेल है। जबरदस्त माशाल्लाह। वजाहत भाई को आप जानते होंगे जो मेरे उस्ताद हैं, उनका पहला पेयर था जहाँ से उन्होंने अपना शौक स्टार्ट किया था माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से बड़ बीड़ करके आ रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी। सर ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये पार्बुलो प्योर का मेल है और ब्लू यूविंग की फीमेल है। ये माशाल्लाह पेयर अब ब्रीड के लिए रेडी हुआ है, पेयर क्रॉस हो गया हुआ है, मेल है, बहुत जल्दी अगले कर इंशाल्लाह। और इसके साथ नीचे? इसके नीचे मेरे शेड का पहला पेयर जहाँ से मैंने शौक स्टार्ट किया था, पार्बुलो स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो। आपने तीन पेयर डेकिनो देखे होंगे, वो तीनों इसके बच्चे हैं भाई माशाल्लाह जबरदस्त। और इसके इस दफा का क्लच फोस्टर हो चुका है। सही। और ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये पार्बुलो स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो की पेयरिंग है, इसका एक क्लच फोस्टर हो चुका है, दूसरे क्लच के लिए रेडी है माशाल्लाह। दूसरे क्लच के तो अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह, चार अंडे। देखिए हमारी वीडियो का आपको फायदा हो गया कि पता चले। ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये कोमलटिनो का मेल है और ब्लू ओपलाइन रोजिकोलिस की फीमेल है। सही। तो इसके लिए चार अंडे फोस्टर हैं क्रीमिनो के। सही माशाल्लाह, क्योंकि मैंने सब बॉक्सों के आगे लिखा है किसके अंडे किसमें पड़े हैं, इतने पेयर हैं याद भूल जाता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि पूरा चार्ट बनाया हुआ आपने। जी जी मेहर भाई, ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये येलो चेस्ट का पेयर है, ब्लैक हेड येलो चेस्ट जी। इसकी माशा ब्रीड आई हुई है माशाल्लाह। अंडे आए हुए हैं बच्चे? अंडे अंडे माशाल्लाह, पांच अंडे हैं जी। और इसके साथ नीचे कौन सी पेयरिंग है? इसके साथ नीचे स्प्लिट पेयर फेलो का पेयर है, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेयर फेलो की फीमेल है, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेयर फेलो का मेल है। सही है। ये अभी ब्रीड के लिए रेडी नहीं हुआ पेयर। ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये ग्रीन फिशर स्प्लिट पेयर फेलो का मेल है, ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेयर फेलो की फीमेल है। जबरदस्त, इसकी लेंग आ चुकी है जी? जी इसकी लेंग आ गई माशाल्लाह जबरदस्त। इसके माशाल्लाह चार पांच अंडे हैं और माशाल्लाह चार फुल डाइन है। और ये वाली कौन सी पेयरिंग है? ये ग्रीन ओपलाइन रोजिकोलिस का पेयर है, ये न्यू पेयर तैयार हुए हैं सारे माशाल्लाह जबरदस्त। और इसके साथ? इसके साथ ये सबसे ऊपर आपको पेयर नजर आ रहा होगा, ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू पॉसिबल पेयर फेलो का पेयर है। सही जबरदस्त। ये ब्रीडर है क्या? रेडी टू ब्रीड? रेडी टू ब्रीड है, फीमेल रेडी हो रही ब्रीड के लिए। सही, यानी कि पॉसिबल पेयर फेलो, पॉसिबल पेयर, अल्लाह कंफर्म करे जी इंशाल्लाह। और बहुत सारे कंफर्म होते हैं जी। ये वाले पेयर पीच पे? ये पीच पे, ये दोनों फीमेल्स लग रही हैं इसलिए ने बॉक्स नहीं लगाया, एक दोस्त मांग रहा था, उसके बाद दोनों मेल पड़ी हैं, एक एक्सचेंज हो गया जी। और ये पेयर? ये ओपलाइन रोजिकोलिस का ही पेयर है। सही। पोस्टर ब्रीड के, इसे भी बॉक्स लगाया है 5 से 6 दिन हुए हैं। सही। और ये वाला सर? ये भी ग्रीन ओपलाइन रोजिकोलिस का पेयर है, ये माशाल्लाह कंफर्म हो गया पेयर, इसने दो बच्चे निकाले थे, वो मैंने उधर फोस्टर कर दिए हैं, ये दोबारा ब्रीड के लिए रेडी है। सुने अल्लाह। और ये वाला पेयर कौन सा है जी? ये डीडी ग्रीन वाइट फेस का मेल है और डीडी ग्रीन ओपलाइन की फीमेल है, रोजी कोली में। जबरदस्त माशाल्लाह यार, आपके पास तो रोजी कोली में बहुत अच्छी कलेक्शन के बढ़ रहा जी। अल्लाह बाग बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन आमीन।
जी व्यूअर्स, कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।